Assalamu alaikum. Day 1st of September 2020. Class 1, subject Qaida. आइए बच्चों अपने सबक का आगाज ताबूस में की तलावत और दुआ से करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم آمين. बेटा हम पढ़ेंगे अब तख्ती नंबर 6 की सेकंड लाइन. आज कंप्लीट हो जाएगी. अपने सबक का आगाज तस्मीह की तिलावत से करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हिज्र नमाज से पढ़ेंगे. बाज़ल बा खाज़िरफी बाफी बाफी. ये बा की हाफ शक्ल है और ये हा की हाफ शक्ल है. हा के ऊपर बा की हाफ शक्ल है. ये आपको सही से पहचान करके पढ़ना है. फिर पढ़िए बा ज़बर बा खाज़िरफी बाफी. लाम ज़बर ला बाफीला. आगे बा बाफिल. बा ज़बर बा रो ज़बर वो. बा वो रो ज़बर वो. बा रो वो ता दो ज़ेर तिन. बारोवातिन बारोवातिन. आगे वाह बारोवाह. एक दफा फिर इज्जे करते हैं. इधर दो रॉ की हमेशा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को. गलत इज्जे करते हैं बच्चे. फिर पढ़िए बार जबर बा रो जबर रो. अब आवाज आएगी सिर्फ बरो की. किसकी आवाज आएगी? बरो. अब हम दोबारा दूसरा रॉ पढ़ते हैं. रो जबर रो. अब आएगी आवाज बारो रो. बारो रो ता दो जे तीन. बारो रो तीन. आगे बात बारो रो. जीम जबर जा. ऐन जबर अ. जा अ. लाम जबर ला. जा अ ला. जा अ ला. फिर इज्जे करेंगे. जीम ज़बर जा. ऐन ज़बर अ. जा अ. लाम ज़बर ला. जा अ ला. आगे वा. जा अल. ज़बर खत्म हो जाएगा. यहाँ पे आगे ज़बर लग जाएगी. मफ़ूका रब्बे इस्कान. अगला वर्ड देखिए. जीम ज़बर जा. मीम ज़बर मा. जमा जमा. ऐन ज़बर अ. जमा अ. आगे वक जमर. फिर इज्जे करेंगे. जीम ज़बर जा. मीम ज़बर मा. जमा. ऐन ज़बर अ. जमा अ. आगे वक जमर. फिर पढ़ेंगे यहां से. बाफीला. आगे वक बाफिल. बरोदिन. आगे वक बरो. जाला. आगे बक जाल. जमा. आगे बक जमर. तो ये था बच्चों आज का हमारा सबक. मिलेंगे कल दोबारा नए सबक के साथ इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. अस्सलामु अलैकुम. डेट 2 सितंबर 2020. क्लास 1 सब्जेक्ट कायदा. आइए बच्चों के सबक का आगाज ताबूस में तिलावत और दुआ से करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما.
अल्लाहुम्मा आमीन। बेटा कल हमने पढ़ा था तख्ती नंबर 6 उसकी फर्स्ट लाइन यानी कि सेकंड लाइन हमारी कंप्लीट हुई थी। हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बरबिन अगब बर जअल अगब जअल जमा अगब जमा बखिल अगब बखिल। आज हम पढ़ेंगे नया सबक हा जबर हा सीन जबर सा हसा हसा दा जबर दा हसदा हसदा आगे वक हसद। कलमे के लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था जबर जेर या पेश कोई भी हरकत हो हम उसे साकिन कर देते हैं, वहां पे आरजी जज़्म लग जाती है। वक्फ का वक्फ इस्कान और यहाँ पर दाल चुके हुरूफे कलकला में से हुरूफे कलकला कितने हैं कॉफ कॉफ बा जीम दाल। हुरूफे कलकला 5 हैं। अगर ये वक्फ की सूरत में आते हैं तो हम कलकले के साथ वक्फ करते हैं जिस तरह भी हमने इधर किया हसदा से हसद। कलकला करेंगे हम यहाँ पे वक्फ की सूरत में। फिर करेंगे इस कीजिए हा जबर हा सीन जबर सा हसा दाल जबर दा हसदा आगे व हसद। आगे पढ़िए हा जबर हा शीन जबर शा हशा हशा रो जबर वो हशा वो हशा वो आगे व हशा हशा वो तो रो वक में और वसल में दोनों तरह मोटा पढ़ा जाएगा। हशा वो से हशा रो साकिन हो जाएगी वक की सूरत में वक का वक इस्कान और रो साकिन उससे पहले जबर या पेश हो तो रो मोटी पड़ी जाती है तो इस तरह ये वक वसल दोनों में मोटा पढ़ा जाएगा। आगे देखिए हो जबर हो शीन जेर शी हो शी होशी या जबर या होशिया होशिया आगे वक्त वक्त की सूरत में हम इसको या तो साकिन कर देंगे जब जबर खत्म हो जाएगी यहाँ पे आरजी जज़्म बन जाएगी वक्त होगा वक्त में इस्कान और या साकिन हो उससे पहले किसी भी हर्फ के नीचे जेर आ जाए वो या मद्दा होगा तो वक्त की सूरत में हम इसको एक अलिफ के बराबर खींच के वक्त करेंगे होशिया से होशी। फिर पढ़े हो जबर हो शीन जेर शी होशी या जबर या होशिया आगे व होशी। आगे देखिए हो जबर हो लाम जबर ला होला कॉफ जबर को होला को होला को आगे व खलक जबर खत्म हो जाएगा यहाँ पे आरजी जज़्म लग जाएगी वक्त होगा वक्त बिल इस्कान और वक्त की सूरत में हम यहाँ पे कलकले के साथ वक्त करेंगे। फिर पढ़िए खलक आगे वक्त खलक। अब हम दोबारा आज का सबक पढ़ते हैं यहाँ से हसदा आगे वक्त हसद हशो आगे वक्त हशो खशिया आगे वक्त खशी खलाको आगे व खलाको। तो ये थे बच्चों आज का हमारा सबक। मिलते हैं अगले सबक के साथ इंशाल्लाह कल। थैंक यू अल्लाह हाफिज़।